दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आज़ादी पर एक बहुत ही डरावनी कहानी। आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी को चाहे कितने भी साल हो गए हों, पर आज भी हमारे देश के लोग अच्छे से सेफ नहीं हैं। मेरे और मेरे पति सुमित के साथ आज़ादी के उत्सव पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से विश्वास मेरे मन और भी पक्का हो गया था। अनीता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि टाइम पर तैयार हो जाया करो, देखो ना हम फंक्शन के लिए लेट हो गए हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तो मुझे ही ब्लेम मत करो। हाँ, हम दोनों कश्मीर की खूबसूरत वादियों में रहते हैं। ये पिछले इंडिपेंडेंस डे की बात है, हमारी सोसाइटी के लोगों ने इस बार सेलिब्रेट करने के लिए एक फंक्शन की तैयारी की थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उससे मेरे अंदर अपने देश के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी, और मैं सुमित के इस बार फंक्शन के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। हम दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया था और बाइक से फंक्शन के लिए निकल पड़े थे। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं सुमित को इस बार सारे फंक्शन में हरा दूंगी। ये मैंने सोच ही रही थी कि क्योंकि मेरे टायर के पंक्चर की होने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अरे यार, इसको भी अभी होना था, अब हम और लेट हो जाएंगे। हमारे आसपास बर्फ और सुनसान सड़क के अलावा कुछ भी नहीं था। हम वेट कर रहे थे ताकि किसी से लिफ्ट ले सकें, पर दूर दूर तक हमें कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। हम बहुत परेशान हो चुके थे, पर तभी मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने देखा कि एक बस हमारी तरफ आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उस रोड पर तो कोई भी बस कभी चलती ही नहीं थी। खैर, मैंने भगवान को धन्यवाद कहा और बस को रुकने का इशारा किया। बस हमारे पास आकर रुक जाती है और उसमें जैसे ही हमने चढ़ने लगे तभी मेरा पैर फिसल गया और देखते ही देखते मैं हवा में ठहर गई और खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो। अनीता, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हुआ है। मैं और सुमित अपना सामान लेकर बस में चढ़ गए और टिकट लेकर एक सीट पर बैठ गए। बस में कुछ ही लोग बैठे थे। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी ताकि बाहर के नज़ारों का एंजॉय ले सकूं, लेकिन ये एंजॉयमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चला। मुझे पीछे से किसी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं यह देखकर बहुत डर जाती हूँ कि कुछ आतंकवादी जेब से हमारा पीछा कर रहे थे। उनमें से एक चिल्लाते हुए कह रहा था, फौरन अपनी बस को रोक दो। बस में बैठे सभी पैसेंजर बहुत डर जाते थे, लेकिन ड्राइवर बस इस तरीके से चला रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही देर में आतंकवादियों ने जीप बस के साइड में चलाने लगी और बार बार ड्राइवर को बस रोकने को कहने लगे थे, पर जब ड्राइवर ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो उन्होंने कई बार हवा में फायरिंग की। जब इससे बात नहीं बनी तो उन्होंने ड्राइवर पर फायरिंग कर दी, पर सभी ये देखकर चौंक गए कि पुलिस ड्राइवर को बुलेट छुए बिना ही गायब हो गई। तुमने देखा अनीता, आखिर ये कैसे हो सकता है? आतंकवादी बहुत परेशान थे और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ड्राइवर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लास्ट में उन्होंने बस के टायर पर एक गोली मारी जिससे वह पंचर हो जाती है और बस का बैलेंस बिगड़ जाता है, और ड्राइवर ने किसी तरह से एक्सीडेंट होने से पहले बस को रोक दिया। मुझे लगा हम सब अब किसी भी तरह नहीं बच सकेंगे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, आपका सोचा हुआ सच हो जाएगा। वो लोग फौरन हमारी बस में घुस जाते हैं और सभी का सामान लूटने लगते हैं। मैं सुमित की तरफ देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा ऐसा ही था और किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता था। मैं समझ गई थी कि उन लोगों से लड़ने को सोच रहा है, पर मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया और उससे ऐसा ना करने का इशारा किया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, मैं तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैंने सुमित को बहुत मना किया, पर उसने मेरी एक बात को नहीं माना। वो आतंकवादियों से लड़ने लगा, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
उन लोगों ने उसे रस्सियों में बांध कर फेंक दिया और उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो सुमित को छोड़ दे, पर किसी ने मेरी बात को नहीं सुनी। और दूसरी ओर सुमित बार बार उनको लड़े जा रहा था और उनसे कह रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था कि कहीं सुमित को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। मेरा डर सच होने वाला था क्योंकि वो लगातार सुमित के बोलने से बहुत गुस्से हो रहे थे और उनमें से एक ने अपनी गन से फायरिंग करना भी शुरू कर दिया था। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने सुमित पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। मैं डर की वजह से अपनी आंखें बंद की और मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे चेहरे के ऊपर प्रेम की चींटी, उसी के साथ मुझे लगा कि मैंने सुमित को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो देखकर खुश हो गई कि सुमित सही सलामत है, पर मेरे पैरों के पास एक आतंकवादी की लाश पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब दूसरे आतंकवादी ने सुमित पर फायरिंग की तो मैंने देखा कि बुलेट गन से निकलकर हवा में रुकी है और अपनी डायरेक्शन उस आतंकवादी की तरफ बदलते हुए सीधा उसके सर पर जा घुसती है। बस में सिर्फ दो ही आतंकवादी रह गए थे जो ये सब देखकर काफ़ी डर चुके थे, लेकिन उन्होंने तब भी बस का सामान लूटना जारी रखा। जैसे ही वो सभी का सामान लूट कर जाने लगे थे, वो बस का गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर कुछ ही देर में मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला था। ये क्या है? सुमित खिड़की की तरफ कुछ देख रहा था। मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखकर चौंक गई और उसमें से एक सफ़ेद रोशनी का गोला उड़ते हुए बस के अंदर आया और सीधा सुमित के अंदर जा घुसा। इसके बाद जिसको मैंने देखा वो बिल्कुल भी सुमित नहीं था। उसकी रस्सियाँ खुद माँ खुद खुल गई थी और उसके कपड़े आर्मी के ड्रेस में बदल गए थे और वह सभी बस के पैसेंजर को उसने बचा लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारे देश से प्यार है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।